ठीक। देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन में लास्ट टाइम कौन सा फॉर्मूला किया था, एक बार चेक करके बताओ। प्रेशर का। ओके, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला किया था प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया का एल टू, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये आपने लिख लिया था लास्ट टाइम, कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसके बाद शुरू करना है हमने। प्लीज साइलेंस। ठीक, याद है, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे प्रेशर के बाद। अब एक चैप्टर आएगा प्लस वन में, नवंबर के आसपास आता है, जिस चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। उसके कुछ फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूं आपको। वो थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, एंड में फॉर्मूला लिखेंगे। वो इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा, तो फॉर्मूलाज को याद नहीं करना पड़ेगा, सीधा ही आप उसको लिख पाएंगे। तो इलास्टिसिटी के अंदर क्या सिखाया जाता है? एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस, और एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन। ठीक, ये बाद में आप लिखना कुछ नहीं, आप ध्यान से देखना। स्ट्रेन बेसिकली किसको बोलते हैं? देखो, जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। एक सेकंड देना यार, देखो, जो स्ट्रेन है इसका मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वायर है, इलास्टिक वायर है, आपने एक सीलिंग के साथ, छत के साथ बांध रखा है। आपने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स एफ को लगाया और आपने देखा ये वायर थोड़ी लंबी हो गई, खींच के आपने लंबा कर दिया, पतली हो गई पर लंबी हो गई। तो वायर की लेंथ पहले कितनी थी? एल। अब वायर की लेंथ कितनी है? एल डैश। और इंक्रीज इन लेंथ एल डैश माइनस एल। ठीक, इसको डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वायर की कौन सी डायमेंशन चेंज हुई, आप बोलेंगे लेंथ चेंज हुई। तो चेंज इन लेंथ क्या हुआ इसमें? डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ क्या है इसमें? एल। तो ये इस वायर का क्या जाएगा? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का मतलब कितनी लेंथ चेंज हुई अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कई लोग बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ लेंथ कितनी चेंज हुई। हाँ, ये फ्रैक्शन ऑफ लेंथ चेंज को स्ट्रेन बोला जाता है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक स्फीयर है, एक स्फीयर को आपने हर तरफ से कंप्रेस किया, दबा दिया बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ। ये स्फीयर पहले वी वॉल्यूम का था, दबाने से क्या हुआ? इसका वॉल्यूम छोटा हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, वॉल्यूम छोटा हो गया, वी डैश हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि चेंज इन वॉल्यूम कितना है, तो वी माइनस वी डैश। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हुआ, तो आप बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, क्योंकि कौन सा डायमेंशन चेंज हुआ? वॉल्यूम। तो चेंज क्या हुआ? वॉल्यूम में डेल्टा वी, और ओरिजिनल कितना है? वी, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम चेंज को क्या बोलते हैं? क्लियर है यहां तक? तो कोई चीज कितनी चेंज होती है अपन ओरिजिनल वैल्यू को स्ट्रेन बोलते हैं। इसमें स्ट्रेन नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। हम कौन सा वैल्यू निकालने जा रहे हैं, मैं तो डेफिनेशन बता रहा हूं। वैसे वो निकालना ही नहीं स्ट्रेन, तो आपने वो तो चैप्टर में दिखाऊंगा प्लस माइनस कब लेते हैं। इतनी डीप में थोड़ा जाऊंगा, स्ट्रेन थोड़ा निकालना सिखा दूंगा यूनिट डायमेंशन में। बता रहा हूं कि मेरे को तो यूनिट्स बताने हैं, माइनस प्लस मुझे वैल्यू थोड़ा बतानी है। मेरे को ये बताना है कि देखो ये मीटर में होता है, ये भी मीटर में होता है, स्ट्रेन के यूनिट्स नहीं होते। देखो ये वॉल्यूम है अपॉन वॉल्यूम है, तो इसके भी यूनिट्स नहीं होते, बस ये बताना है। मैंने ये नहीं बताना इसकी वैल्यू कितनी आई है, मैं कोई चैप्टर थोड़ा ओपन करूंगा इसमें। हाँ, वैसे ये नेगेटिव है, अगर चीज छोटी हो रही है तो स्ट्रेन नेगेटिव है, बड़ी हो रही है तो स्ट्रेन पॉजिटिव है, पर मैं उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं चाहता हूं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि देखो नहीं होते, यानी कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला ये मीटर में मेजर करोगे तो एल, डिनोमिनेटर को भी एल, तो आंसर क्या आएगा? वन। अगर आप वॉल्यूम को मेजर करोगे एल क्यूब और नीचे भी एल क्यूब, तो आंसर फिर से क्या आएगा? वन। तो मैं ये सिर्फ इतनी सी चीज बताना चाहता हूं कि देखो स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होते और ना ही इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है।
और रही बात स्ट्रेस की, स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम एज प्रेशर, जिसको बोलते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, सेम होता है। आपको अगर से प्रेशर क्यों नहीं बोलते, सॉलिड्स के अंदर प्रेशर नहीं बोला जाता, स्ट्रेस बोला जाता है, लिक्विड के अंदर प्रेशर बोला जाता है। लिक्विड का प्रेशर है, सॉलिड का स्ट्रेस है। तो अगर कोई बोले कि इस वायर में कितना स्ट्रेस है, तो कितनी फोर्स अप्लाई की, कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अप्लाई की, फोर्स बाय एरिया, ठीक, फोर्स अपॉन ये शेडेड एरिया इसका स्ट्रेस है, और ऐसी इसमें फोर्स अपॉन सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इसका स्ट्रेस है। पर आपको निकालना थोड़ी ना है, मैं कोई वैल्यू थोड़ा निकालने सिखा रहा हूं, बस मैं ये बता रहा हूं कि स्ट्रेस का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है जो किसका होता है, प्रेशर का होता है। क्लियर है यहां तक? तो अब आपने लिखना क्या है ये समझ लो, आपने कुछ नहीं, आपको ये कुछ नहीं चाहिए, ये हम चैप्टर के अंदर ही डिस्कस करेंगे जब इनकी वैल्यूज को निकालेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आप लिखो प्लीज, नेक्स्ट फॉर्मूला इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला एक बार फिर से क्या, फोर्स बाय एरिया। तो डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम एज अबव, कोई डाउट इसमें? तो ये सिर्फ हिस्ट्री इसलिए बताता हूं ताकि आपके फॉर्मूलाज आपको याद ना करने पड़े, थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया पता हो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस और प्रेशर एक ही बात है, इट विल रिमेन सेम। दूसरा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला बताया मैंने, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो आप कोई मर्जी स्ट्रेन ले लो, तो मैंने क्या बताया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, वन, ना कोई यूनिट्स आएंगे और ना ही कोई डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, जीरो एल जीरो। ठीक है यहां तक, आगे देखते हैं। अब एक ना साइंटिस्ट था जिसका नाम था हुक। हुक, हुक्स लॉ करके उसने एक लॉ बनाया। उसने बताया कि किसी भी बॉडी को अगर स्ट्रेस प्रोड्यूस किया जाए तो उसमें ना स्ट्रेन भी प्रोड्यूस हो जाता है। आप एक वायर को जब खींचते हो बाय अप्लाइंग अ स्ट्रेस, तो वायर में की वायर लेंथ लंबी हो जाती है, तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ही उसका फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, उतना ही ज्यादा उसमें स्ट्रेन होगा। क्लियर है यहां तक? तो उसको ये पता था कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा इनटू स्ट्रेन। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक, ये चैप्टर का नाम क्या था, इलास्टिसिटी। उसने इस कांस्टेंट का नाम दिया, इस कांस्टेंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करो प्लीज, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो बोलो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है ना? तो इस कांस्टेंट का नाम क्या है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। कोई डाउट इसमें? ठीक, कांस्टेंट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो फॉर्मूला इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का तो कुछ होता नहीं है, वन, स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला हमें मालूम है कितना, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसका मतलब स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? जो प्रेशर का आएगा वो स्ट्रेस का आएगा, और वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का आएगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो वन होता है, तो स्ट्रेस का ही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का सेम हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? फॉर्मूला याद रहेगा यहां तक? ठीक है, ठीक। अब हमने एक और चीज देखी
कि स्ट्रेन के मैंने आपको ना दो एग्जांपल लेके दिखाए थे। स्ट्रेस का तो फॉर्मूला हालांकि क्या था, फोर्स बाय एरिया, यही था ना, स्ट्रेस की जगह फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन मैंने आपको दो एग्जांपल से समझाया, एक में फॉर्मूला क्या बनाया था, डेल्टा एल बाय एल, और एक में मैंने फॉर्मूला क्या बनाया था, डेल्टा वी बाय वी। ठीक ठीक है, दो 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 टाइप के स्ट्रेन थे, एक लेंथ में था और एक वॉल्यूम में था। तो दो टाइप के स्ट्रेन मैंने पुट किए, इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी दो टाइप का आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का चेंज हो रहा है, तो ये फ्रैक्शन भी ऑब्वियसली अलग अलग आंसर देगी। तो अगर तो आप लेंथ वाला स्ट्रेन यूज करते हो, लेंथ वाला, तो इस कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी का नाम चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, क्योंकि यंग साइंटिस्ट ने काम किया था, उसने अपने नाम से ही नाम रख दिया कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी का यंग्स मॉडुलस। तो मतलब बात एक ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नाम में चेंज हुआ। और अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला का नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम होगा बल्क मॉडुलस। ये उस इलास्टिसिटी चैप्टर में स्टडी करेंगे, तो आपको इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार ये क्या पता नहीं क्या थ्योरी स्टार्ट हो गई, आपको चाहिए कहाँ। मैं तो सिर्फ ये सिखाऊंगा आपको कि कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी अगर आता है, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी आता है, उसका ये फॉर्मूला याद रखें, कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी की जगह अगर क्या आता है, यंग्स मॉडुलस आता है, या फिर क्या आता है, बल्क मॉडुलस आता है, जो मर्जी नाम चेंज कर दे, आंसर विल रिमेन सेम। क्या फर्क पड़ता है, तुमने कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है यंग्स और बल्क का, वो तो नवंबर के अंदर देखेंगे जब आएगा। फिलहाल आपको कुछ नहीं चाहिए, ये नाम ही चेंज किया है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। तो बेसिकली चाहे क्वेश्चन में कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी आए तो भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, चाहे यंग्स मॉडुलस आए तो भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, चाहे बल्क मॉडुलस आए तो भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो आंसर तो क्या रहेगा, सेम। तो एटलीस्ट डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखोगे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के साथ ही आएगा। हालांकि ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होते हैं और मुझे लगता है यूज भी नहीं होंगे, बट एक्सेप्शनल केस है, अगर कोई टीचर डाल ही दे, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमने ये टर्म सुनी हुई है। कोई डाउट है इसमें? तो ये इलास्टिसिटी के कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो मजे की बात है कि एंड रिजल्ट इनका निकालना बड़ा आसान है, मैं थ्योरी नहीं भी बताऊंगा तो भी सिर्फ इससे काम चल जाएगा। और अगर मैं इतना भी बता दूं आपको, कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी आ जाए या ये आ जाए या ये आ जाए, एक ही फॉर्मूला है, तो भी आपको हो गया ओके ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं है, आपको तो डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, वो आप निकाल लोगे। यहां तक क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट दो फॉर्मूलाज और नोट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूलाज में, नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करो, नेक्स्ट फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और उसके अगला फॉर्मूला है प्रेशर ग्रेडियंट। याद रखना, अगर किसी के पीछे ग्रेडियंट लग जाता है, हम आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे, उस टर्म को लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ, और प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब बोलो प्रेशर अपॉन लेंथ। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी बाय लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर बाय लेंथ। अब आपको वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला तो पता ही है, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय एल, तो एल से एल कैंसल, टी की पावर क्या आ गया, माइनस वन। क्लियर हो गया? और उसी तरीके से प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने जान के मिटाया नहीं था, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय लेंथ। तो एम एल की पावर ऊपर गए जाएगी तो माइनस टू, टी की पावर माइनस टू। कोई डाउट इसमें? दो फॉर्मूला और नोट कर सकते हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट। ये तो आपको याद ही नहीं करना, आपको तो फॉर्मूला याद करने हैं। तो जब ये फॉर्मूलाज आएंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेशर ग्रेडियंट और वेलोसिटी ग्रेडियंट में उन टर्म्स को लेंथ से क्या कर देना है, डिवाइड। क्लियर है यहां तक?
ठीक है सर। नेक्स्ट फॉर्मूला इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपको नया फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने हाफ एम वी स्क्वायर लास्ट टाइम सॉल्व किया था और हमने डिसाइड किया था कि जितने भी टाइप की एनर्जीज हैं या वर्क डन है जिनके यूनिट जूल होते हैं उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम है। तो आप चेक कर लो लास्ट टाइम का जो लेक्चर है, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, एम एल टू टी माइनस टू, और मैंने कहा था चाहे रोटेशनल एनर्जी हो चाहे हीट एनर्जी हो फॉर्मूला विल रिमेन सेम। तो यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो या फिर लिख लो हीट एनर्जी हो, है तो ये टाइप ऑफ एनर्जी, तो इसलिए इनका डायमेंशन फॉर्मूला अलग फॉर्मूला नहीं याद करना, कोई भी फॉर्मूला लगा दो एनर्जी का, एम एल टू टी माइनस टू आंसर विल रिमेन सेम। आने वाला है अभी, उसको छोड़ के पॉइंट समझ में आया यहां तक, क्लियर है? तो हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम। ठीक, नेक्स्ट एक फॉर्मूला आएगा जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ एनर्शिया, मोमेंट ऑफ एनर्शिया। ये रोटेशनल मोशन में आएगा, मैं नहीं समझा पाऊंगा फिलहाल अभी से। इसका सिंबल बता देता हूं, आई होता है, और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। मास इनटू, तो बोलो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, मास का क्या बनेगा एम, और रेडियस किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, तो लेंथ का स्क्वायर आंसर क्या आएगा, एम एल स्क्वायर। ठीक, तो मोमेंट इनर्शिया काफी यूज होता है डायमेंशनल फॉर्मूलाज में, पता होना चाहिए मोमेंट इनर्शिया एम एल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट एक टर्म आपने शायद केमिस्ट्री में सुनी होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट। बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, मैं पीटी कर रहा था, 6.6 पॉइंट करना शुरू करेंगे लोग। मैंने वैल्यू थोड़ा पूछी, मैंने कहा इसका फॉर्मूला क्या होता है। मैंने फिर कोई बात, मेरे को इससे लेना देना नहीं है कि आप सेब लेते हो और 2 किलो लेते हो या 4 किलो लेते हो, किलो में लेते हो, मेरे को यूनिट्स बताओ किस में लेते हो, केजी में लेते हो, केजी। पहले इसको खत्म कर दें, सेब बेचने पहले, केजी में लेते हो, तो 2, 4, 5 इस चैप्टर में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता। हम इस चैप्टर में क्या डील कर रहे हैं उसके यूनिट्स क्या होंगे। मैं प्लीज पहले केजी का काम खत्म करूं, तो अगर एप्पल की बात हो रही है तो केजी के अंदर मैं कंसर्न्ड हूं। अब बात करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की, प्लैंक कांस्टेंट का नंबर क्या है मुझे नहीं बताओ, मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, मुझे इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है। एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी बोला इसने, या फिर एनर्जी इंटू टाइम, एक ही बात है क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1/टाइम। तो फॉर्मूला नोट करो, एनर्जी इंटू टाइम, एनर्जी क्या होती है एम एल टू टी माइनस टू, और टाइम क्या होता है टी, तो आंसर इज एम एल टू टी माइनस वन। ठीक, फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी इंटू टाइम, केमिस्ट्री वाले आपको सिखाते होंगे, यूज किया होगा आपने, तो वहीं से आएगा ये, क्लियर है? इज इक्वल टू एच न्यू, हाँ ऐसे करते हो, ठीक है यहां तक। एक टर्म आएगी
जिसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस या लेंथ। तो एम एल टी माइनस टू फोर्स, और लेंथ का मतलब एल 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 कैंसल, एम टी माइनस टू आंसर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करो, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स अपॉन डिस्टेंस। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें? ठीक, नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज हैं उसको लिखने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। एक चैप्टर आएगा प्लस वन में, नवंबर के आसपास आता है वो भी, जिस चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होती है वो करने से पहले एक फॉर्मूला याद आया मुझे, लिखो टेंशन। टेंशन ये वो टेंशन नहीं है जो पेपर से पहले होती है, ये वो टेंशन है कि अगर एक रस्सी है आप एक स्ट्रिंग को खींचते हो तो स्ट्रिंग टाइट हो जाती है, ठीक, स्ट्रिंग में फोर्स आ जाती है, और कभी कभी तो स्ट्रिंग टूट जाती है ज्यादा फोर्स लगा दोगे। तो रस्सी के अंदर जो फोर्स डेवलप होती है उसको फोर्स नहीं बोलते, उसको टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन एंड फोर्स इज वन एंड द सेम थिंग। सर इज फोर्स एम एल टी माइनस टू, कोई डाउट इसमें? तो स्ट्रिंग की टेंशन या स्ट्रिंग की फोर्स वन एंड द सेम थिंग। टेंशन एंड फोर्स एक ही बात होती है, रस्सी के अंदर फोर्स को टेंशन बोलते हैं, फोर्स नहीं बोलते, वैसे फोर्स बोलते हैं पर रस्सी की फोर्स को टेंशन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करने से पहले एक चीज समझते हैं, आपके पास एक चैप्टर आएगा जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये सरफेस टेंशन क्या होती है, एक इसको एक लाइन में समझाता हूं, हालांकि एक हफ्ते का चैप्टर है ये, इलास्टिसिटी भी कम से कम एक हफ्ते का काम था जो हमने किया, वन वन वीक लगेगा एक एक फॉर्मूले पे, एक एक हफ्ता, अभी तो बस एक लाइन देके छोड़ रहे हैं इसे। तो सरफेस टेंशन के लिए इमेजिन करो आपके पास एक पानी का कंटेनर है, ये पानी का जो कंटेनर है इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और रेस्ट पे है पानी का गिलास। जब रेस्ट पे पड़ा होगा या कहीं आप खड़ा हुआ पानी देखेंगे तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल मूव थोड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल स्टेशनरी दिखेंगे आपको। वो इसलिए क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल के आसपास बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल हैं, और ये मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसे, ये इसे, ये इसे, तो जितने फोर्स ये अट्रैक्ट कर रहा है एग्जैक्टली उतने फोर्स से ऑपोजिट का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो जाती है, जीरो। हर कोई बराबर तरीके से खींचते हैं और बराबर वैल्यू से खींचते हैं तो नेट फोर्स जीरो, तो पानी रेस्ट पे ही पड़ा दिखेगा आपको। लेकिन सोचो उन मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ जो बिल्कुल सरफेस के बाउंड्री के ऊपर है, क्योंकि बाउंड्री के नीचे या साइड पे इन्हें कौन खींच रहा है, पानी के मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, ऊपर कौन खींच रहा है, एयर का मॉलिक्यूल खींच रहा है। अब नीचे पानी खींच रहा है, ऊपर एयर के मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, पानी और पानी की फोर्स बड़ी होती है, पानी और एयर की फोर्स छोटी होती है, एयर नहीं खींच पाती ज्यादा। सोचो एयर अगर ज्यादा खींच पाती, आपने पानी पीने के लिए डाला, एयर ने खींच लिया, मॉलिक्यूल उड़ गए, पानी रुकेगा ही नहीं, इसका मतलब पानी और पानी की फोर्स ज्यादा बड़ी होती है, तभी पानी टिका रहता है ग्लास में। हाँ इवेपोरेशन अलग बात है, वो अलग बात है, उसके वो टेम्परेचर रिलेटेड है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है। अब इस टॉप के मॉलिक्यूल्स की एक समस्या है कि जो ये वाला मॉलिक्यूल है इसकी नेट फोर्स जीरो है, हर तरफ से बराबर फोर्स है, जो टॉप की सरफेस के मॉलिक्यूल है उनको पानी की फोर्स ज्यादा मिल रही है, एयर खींच नहीं पा रही, तो अल्टीमेटली टॉप के मॉलिक्यूल थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे, नीचे फोर्स ज्यादा होगी, पानी खींच नहीं पाया, हल्का सा नीचे हो जाएंगे, और नीचे और पानी के मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल टॉप मोस्ट सरफेस पे है वो नॉर्मल डिस्टेंस से थोड़ा टाइट हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे दब गए और नीचे और मॉलिक्यूल थे जिनके ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो वही रहेंगे, तो टॉप की लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइट हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है?
जब वो टाइट होंगे, मैं ये तो नहीं कहूंगा वो सॉलिड बन गए, पर इतना टाइट हो जाते हैं कि वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं, एक स्किन की तरह हल्की सी परत आ जाती है। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सरफेस के ऊपर फोर्सेस आ जाती हैं जो पानी के मॉलिक्यूल को टाइट कर देती हैं, और किसी लिक्विड में तो बहुत ज्यादा हो जाती है और उसकी सरफेस बहुत स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, और किसी में थोड़ी कम होती है, किसी में होती नहीं। ये डिपेंड करता है कि अंदर पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक मॉस्किटो, आपने देखा होगा खड़ा हुआ पानी है, लाखों या हजारों में मॉस्किटोज बैठे हुए हैं, तैरना थोड़ी ना आता है मच्छर को, कभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा लगा के चल रहा है कि वो पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, वो तो बैठे है कि पानी के ऊपर, अगर वो बैठे तो हम नहीं बैठ सकते जाके, हम तो डूब जाते हैं, क्यों भाई, वो भी तो बैठा ही है ना। इसलिए उसका मास कम है, वेट कम है। तो वेट कम से क्या प्रॉब्लम है, पानी तो डुबो ही देगा, फिर क्या हो गया, आर्कमिडीज कहता है जितना उसका वेट है उतना पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाया, वो डूब जाएगा। आर्कमिडीज तक तो पहुंचा ही नहीं क्योंकि ऊपर की सरफेस डिस्टर्ब नहीं की उसने, ऊपर के मॉलिक्यूल बहुत टाइट है और टाइट है तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहे हैं, तो आराम से जाके बैठ गया। उसके लिए तो वो सॉलिड की तरह काम कर रहा है सरफेस, मतलब मेम्ब्रेन उसके लिए बहुत सख्त सरफेस मानी जाती है। लेकिन अगर आप पानी को हिला दो हल्का सा, डिस्टर्ब कर दो, उड़ जाएंगे क्योंकि वो तैरना नहीं आता, जो बच गए वो डूब जाएंगे, फिर मर भी जाते हैं, कई मरे मिलते हैं आपको, क्योंकि वो चलते पानी के अंदर चले जाते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन है कि टॉप की जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि टॉप की सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े टाइट हो जाते हैं। क्लियर यहां तक? तो उस चैप्टर में ऐसा कुछ स्टडी होने वाला है। तो इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की गेम है ये सारी, तो उस चैप्टर में तो यही सिखाया जाता है, पर अभी मेरे मतलब की चीज ये नहीं है। जो लिक्विड ये प्रॉपर्टी ज्यादा शो करती है और मेम्ब्रेन मतलब मॉलिक्यूल टाइट ज्यादा कर देती है, एक अच्छा खासा मेम्ब्रेन की तरह सरफेस एक्ट करता है, हम बोलते हैं उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है, और जो कम कर पाती है उसकी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी कम है। अब सपोज करो टॉप की सरफेस है, पानी की सरफेस है, ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे टॉप तक, मैंने इमेजिन किया एक लाइन खींच ली, इमेजिनरी लाइन है, कोई लाइन नहीं है, पानी की सरफेस की वो मॉलिक्यूल ले लिए जो इस लाइन के आर और पार है, इस तरफ और इस तरफ है। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ये इसे खींच रहा है तो ये इसे खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। और मुझे समझ में आ रहा है कि जितनी लंबी लाइन लूंगा इमेजिनरी, उतने मॉलिक्यूल कंसिडर किए जाएंगे, लाखों मॉलिक्यूल आ जाएंगे लंबी लाइन में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इनकी आपस की जो फोर्स है, इनमें जो आपस की जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, क्योंकि जितनी बड़ी लेंथ होगी उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए जाएंगे और फोर्स भी उतनी ज्यादा आएगी। तो अगर लेंथ छोटी होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे तो आपसी फोर्स कम होगी, और लेंथ अगर ज्यादा होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेंथ के अलोंग ज्यादा होंगे तो फोर्स ज्यादा होगी। और साथ में डिपेंड करता है, क्योंकि एक कॉन्स्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट को बोलते हैं टी इनटू लेंथ, इस कांस्टेंट का नाम है सरफेस टेंशन। तो ये डिपेंड करेगा कि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करेगा। कई मॉलिक्यूल की सरफेस टेंशन ज्यादा है तो उनमें आपसी फोर्स ज्यादा है, कई मॉलिक्यूल में आपसी फोर्स कम है क्योंकि उनकी सरफेस टेंशन कम है। तो ये तो नेचर है उनकी। अब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, एक लिक्विड का मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल को नहीं खींचता, अब वो तो बना ऐसा हुआ, नहीं खींचता तो नहीं खींचता, कोई कुछ ज्यादा ही खींच लेता है। अब ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो अब नेचर के हाथ में है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, टी। लेंथ तो बराबर है, अब मान लो अगर पानी का मॉलिक्यूल लेते हो एल लेंथ पे, तो पानी के मॉलिक्यूल की सरफेस टेंशन कम होती है तो फोर्स उनमें कम लगती है मॉलिक्यूल्स में। मरकरी लेते हो, मरकरी तो चिपकती जाती है, मरकरी तो इतनी ज्यादा मरकरी से चिपकती है कि आपने अगर देखा होगा थर्मोमीटर टूटता है तो मरकरी से अटैच होती है, एकदम खींच लेती है मरकरी, नहीं देखा कभी? अच्छा, थर्मोमीटर जब टूटता है तो उसमें मरकरी बहुत डेंजरस है, वैसे वो दूर रहना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि वो मरकरी के ड्रॉप्स बन जाते हैं, आप मरकरी मरकरी को मिलाओगे फटाफट बड़ा ड्रॉप खींच लेगा। और मजे की बात है, मरकरी के लिक्विड टब भर दो मरकरी से, गीली मरकरी से, अपना हाथ बीच में डाल दो, बाहर निकाल दो, सूखा निकलेगा। वो आयरन मैन और वो मूवीज में दिखाते भी तो है,
वो लिक्विड में जाता है और बाहर आता है, कुछ भी नहीं होता, उसे गीला होता ही नहीं, क्योंकि मरकरी के अंदर जब जाओगे तो मरकरी मरकरी की फोर्स इतनी ज्यादा है कि आपका हाथ उस मरकरी के मॉलिक्यूल को खींच नहीं पाया, मरकरी ने ही छोड़ा मरकरी को, तो गीला ही नहीं होता हाथ। पानी का पानी पानी की फोर्स थोड़ी कमजोर होती है, मैं अपना हाथ डालूंगा ना, मेरी बॉडी के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को खींच लेते हैं, तो मेरा हाथ गीला हो जाता है। तो वेटिंग ऑफ सरफेस का एक टॉपिक आएगा इसमें, उसमें ये बताया जाता है कि हाथ कब गीला होता है, कब नहीं गीला होता, कब बॉडी गीली होती है, नहीं गीली होती, वो डिपेंड करता है कि मरकरी मरकरी इतनी स्ट्रांग फोर्स होती है कि वो छोड़ती नहीं एक दूसरे को। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो लंबी स्टोरी होगी, अभी नहीं करना। तो कहने का मतलब अपने को जो क्या चाहिए, अपने को नेक्स्ट टॉपिक चाहिए या नेक्स्ट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। बन गया, फोर्स का मतलब एम एल टी माइनस टू, लेंथ का मतलब एल, एल से एल कैंसल, एम टी माइनस टू। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला एम टी माइनस टू। फॉर्मूला याद रहेगा, बहुत यूज होता है सरफेस टेंशन, फॉर्मूला लिख लो और इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला इज सरफेस एनर्जी। आपको कैसे ये तो आता है, मैंने कहा कैसे, कहते एनर्जी एनर्जी होती है, जो मर्जी एनर्जी, मैंने कहा था सारी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है एक्सेप्ट एक, जिसका नाम है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी कहाँ यूज होती है मैं बता देता हूं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। सपोज मेरे को वर्क डन निकालना आएगा, अभी आएगा नवंबर के अंदर करेंगे फिर से सेम चैप्टर, सरफेस टेंशन का ही पार्ट है। वो कहेगा वर्क डन निकाल लो, आपको कहे ठीक है वर्क डन में क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन है। टास्क पता है क्या दिया वर्क डन निकालने का, वो बच्चे खेलते हैं बबल्स फुलाते हैं, 10 रुपए की शीशी मिलती है, साबुन के उस पर डबो, एयर ब्लो करो तो बबल्स ही बबल्स है। तो कह रहे हैं साबुन के अंदर एक वो रिंग को डालो, उसमें साबुन की लेयर आ गई, एयर ब्लो करो बबल फूलेगा, बहुत बड़ा फूल गया, हवा में उड़ गया। आपने कितना वर्क डन किया अपने मुंह से एयर ब्लो करके, कैलकुलेट कर दो। हाँ यही फिजिक्स है, यही सिखाएंगे आपको। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो लगेगा नहीं, अब इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करोगे, तो इसके लिए काम आएगी सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी वहां काम आती है, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन एरिया, कि कितना बड़ा आपने वो बबल को फुला दिया और कितना वर्क डन किया, इसकी रेशियो को सरफेस एनर्जी बोलते हैं। पर मैं अभी ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा ये क्या होती है कैसे करेंगे, अभी प्लीज ज्यादा डीप में नहीं जाना। फॉर्मूला याद रहेगा, वैसे एनर्जी के फॉर्मूले सेम होते हैं, बस सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला वर्क डन या एनर्जी अपॉन एरिया होता है। तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया, एम टी माइनस टू। और मजे की बात है फोर्स कांस्टेंट और सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला डायमेंशनल एकदम सेम है, कोई मर्जी फॉर्मूला चला दो सब चल पड़ेगा इसमें। ठीक, कितने फॉर्मूले हो गए, ठीक है अभी और पड़े हैं, 45 तक तो करने ही है, अभी खत्म हो जाएगा 15 मिनट के अंदर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? लिक्विड के चैप्टर के अंदर एक और टर्म आएगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ज्यादा यूज भी होती है। और नेक्स्ट क्वांटिटी का नाम है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत यूज होती है, इसका सिंबल है ईटा, इस सिंबल को प्रोनाउंस करते हैं ईटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा। ठीक है, तो ईटा भी ये कैटेगरी में ऐड हो गया आपके। तो ये होता क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैं आपको एक ब्रीफ एग्जांपल से समझाता हूं। जब भी आप किसी लिक्विड में जंप करते हो या कोई भी बॉडी को डालते हो,
तो लीक वाटर अपोज करता है मोशन को। आप खुद भी अगर किसी वाटर के पूल में जंप करते हो तेजी से, आपकी स्पीड कम हो जाती है, कोई मर्जी बॉडी डाल लो स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि वो क्या लिक्विड क्या अप्लाई करता है, अपोजिंग फोर्स। तो वो अपोजिंग फोर्स हर लिक्विड अप्लाई करता है, कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है। पानी थोड़ा कम करता है पर फिर भी ठीक ठाक कर लेते हैं, आपकी स्पीड कम हो जाती है। मैंने स्विमिंग पूल बनाया, उसमें शहद डाल दिया, हनी, मैंने कहा जंप करो। अब वो इतना खतरनाक जंप होगा, आप चले तो जाओगे, आप निकल नहीं पाओगे, तो दलदल होगी पूरी। वो इतना ज्यादा ऑपोजिशन आप फेस करोगे, इतनी ऑपोजिशन कि वो आपको छोड़ेगा ही नहीं और आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम बोलेंगे कि हनी एक विस्कस लिक्विड है, गाढ़ा लिक्विड है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा ऑफर करता है। इवन शहद को तो पाइप में डाल के मूव भी करवाओगे ना, तेजी का मूव करेगा वो, तो बहुत आराम आराम से मूव करेगा, वो एक विस्कस लिक्विड है। पानी एक नॉन विस्कस लिक्विड है, पतला लिक्विड है, जो पतले लिक्विड है मिल्क एक पतला लिक्विड है, आराम से फ्लो करता है, कम फ्रिक्शन ऑफर करता है। तो एक नंबर फॉर्मुलेट किया गया ईटा, जिस भी लिक्विड का ईटा ज्यादा होगा वो थिक लिक्विड होगा, तो वो जैसे हनी, और जिसका ईटा कम होगा वो एक पतला लिक्विड होगा, उसको नॉन विस्कस लिक्विड बोलते हैं। तो थिक लिक्विड को थिक नहीं बोलते, विस्कस बोलते हैं, और पतले लिक्विड को नॉन विस्कस लिक्विड बोलते हैं, ठीक। और ये नंबर आपको बता देता है कि जितना हाई नंबर होगा विस्कोसिटी ज्यादा होगी लिक्विड की, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी, ईटा कम होगा तो विस्कोसिटी कम होगी। क्लियर है यहां तक? तो एक ना एक्सपेरिमेंट आएगा, आपकी सिलेबस में ही है, एक स्फीयर को नीचे गिर दिया, लोहे का स्फीयर है, इसको नीचे गिर दिया जाएगा किसी लिक्विड में, और इस लिक्विड का एक नंबर गिवन होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा भी गिवन होता है। तो ये देखा जाएगा कि ये स्फीयर एक फोर्स ऑफ ऑपोजिशन फील करेगा 6 पाई ईटा आर वी, वेयर आर इज द रेडियस एंड वी इज द वेलोसिटी। जितनी तेजी से ये स्फीयर मूव करेगा उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा फील करेगा। पर ये फॉर्मूला कहां से आया ये तो अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, तो बस ये फॉर्मूला याद करना है कि जब भी एक स्फीयर को लिक्विड में डाला जाएगा तो वो इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फील करेगा। पर हमारे मतलब का क्या है, ईटा, तो ईटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 6 पाई आर वी। तो फॉर्मूला याद हो गया, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, पर हमें कॉन्स्टेंट तो वैसे नहीं चाहिए, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, MLT-2, 6 पाई नहीं चाहिए, रेडियस लेंथ है और वेलोसिटी LT-1 है। तो आंसर आ गया ML-1T-1। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लो इसे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वैसे तो लोगों को याद ही हो जाता है असाइनमेंट करते करते ML-1T-1, मतलब यहां तक तो बंदा पहुंचता ही नहीं है, उसको सीधा इतनी बार यूज होगा वो कि ML-1T-1 वैसे याद हो जाता है। क्लियर है यहां तक? क्योंकि आपको ना उसमें जब क्वेश्चंस आएंगे, आज बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसमें ये नहीं पूछा जाता कैसे बना, उसमें पूछा जाता है कि बस फॉर्मूला सही पुट कर दो। मेरी तरफ से तो वो याद कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा लिख दोगे मैं तब भी मान लूंगा, पर आप इतने फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे, आप ये याद कर पाओगे क्योंकि यहां से बनाने इजी है। पर अगर आपको याद होते हैं सीधे, मेरे को कोई समस्या नहीं, आप याद कर लो ML-1 T-1, मेरे को तो याद ही है, वैसे मैं इतनी बार यूज कर चुका हूं कि मैं भूलता नहीं हूं इसे, ना एनर्जी का ना फोर्स का। हाँ, कुछ कुछ मैं भूल जाता हूं जो मैं रूटीन में यूज नहीं करता। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो ना ग्रेविटेशन के फॉर्मूलाज हैं। मैं तीन फॉर्मूलाज लिखता हूँ, वो एक जैसे ही हैं देखने में, तो वो ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा, वो भी एक महीना चलेगा कम से कम 20 दिन, उसके अंदर के फॉर्मूलाज हैं ये दो तीन। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, कैपिटल जी, शायद ये फॉर्मूला आपने सुना हुआ है, एफ इज जी M1 M2 डिवाइडेड बाय R2, सुना हुआ है कि अगर दो मासेज हैं और r डिस्टेंस अपार्ट हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इतनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और ये लॉ को क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने निकाला था ये, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये फॉर्मूला क्लियर है? इसमें हमने क्या निकालना है, जी। तो एक काम करते हैं, जी को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इज ML T-2, आर लेंथ है एल का स्क्वायर, मास M1 की जगह M, M2 की जगह भी M, M से M क्या हो गया, कैंसल, तो M-1
एल थ्री टी माइनस टू या एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये रहा आंसर। तो अगर आप फॉर्मूला नहीं याद कर पाते कोई बात नहीं, आपको वो फॉर्मूला याद है क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, बना लोगे फॉर्मूलाज? मेन तो इसमें फॉर्मूलाज ही है, फॉर्मूला याद है तो बस बन ही जाएगा, नहीं याद तो फिर गए। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला इज, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इसका फॉर्मूला होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला ही है, मैं समझा नहीं पाऊंगा इस फील्ड स्ट्रेंथ को, बड़ी लंबी चीज है ये, फॉर्मूला से ही काम चलाएंगे। तो कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला मैं ऊपर निकाल चुका हूं, एम माइनस वन एल की पावर थ्री एंड टी की पावर माइनस टू इन टू मास की जगह एम, जी की जगह जी, मास की जगह एम, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा एल का स्क्वायर। तो मास और मास की पावर वन, मास की पावर माइनस वन, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मास की पावर क्या आ जाएगी वन माइनस वन, एल तो अकेला रह जाएगा एल स्क्वायर एल क्यूब, और टी की पावर क्या आएगी माइनस टू, एनथिंग रेज टू पावर जीरो हो जाएगा दैट इज वन, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, क्योंकि एम की पावर जीरो हो गई, एनथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? बोलो, ये फॉर्मूला है, जी की जगह पुट किया, मास की जगह एम, एल स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है आप, तो ये एल स्क्वायर से एल क्यूब कटेगा, एम मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी, सॉल्व करके आंसर आएगा। ठीक है ना, पावर एडजस्ट तो कर दोगे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट फॉर्मूला इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल ज्यादा फर्क नहीं है, फॉर्मूला इज माइनस जी एम बाय आर, इसमें जी एम बाय आर स्क्वायर, इसमें जी एम बाय आर, माइनस का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमने माइनस का तो क्या ही करना है, तो जी की जगह पुट कर लेते हैं एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, मास की जगह m और r की जगह सिर्फ और सिर्फ l, तो सॉल्व करेंगे m की पावर तो जीरो हो जाएगी, l की पावर टू और t की पावर माइनस टू, इसकी जगह तो चाहे वन लिख दो आंसर आ गया l टू t माइनस टू। ठीक, मास तो जीरो ही होगा इसमें भी, लेंथ और l क्यूब को कैंसिल कर लेंगे तो आंसर। ठीक, हाँ माइनस में होता है पर हमें माइनस में लेना देना नहीं ना, हम तो यूनिट देख रहे हैं, मतलब अगर फोर्स माइनस टेन न्यूटन है तो तुमने माइनस टेन का क्या करना है इस चैप्टर में, तो मतलब न्यूटन से मतलब है, तो इसलिए माइनस का कोई सिग्निफिकेंस, कांस्टेंट का कोई सिग्निफिकेंस इस चैप्टर में है ही नहीं, वैसे माइनस में होता है। हाँ ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं, इसका फॉर्मूला एनर्जी वाला है कितना एम एल टू टी माइनस टू, ये तो हमने शुरू में कर ही लिया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो एनर्जी या वर्क डन एक ही बात है ना, तो जो हमने एनर्जी का किया था पोटेंशियल का काइनेटिक का वो सेम है, वैसे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है एम जी एच, और हमने लास्ट लेक्चर में स्मॉल एम जी एच का फॉर्मूला ड्राइव किया था एम एल टू टी माइनस टू,
तो उसका कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमने कर लिया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, तो ये कुछ फॉर्मूलाज ग्रेविटेशन चैप्टर में से हैं, ऐसे कुछ फॉर्मूलाज थर्मोडाइनमिक्स में से हैं, तीन चार फॉर्मूलाज थर्मो के हैं जो हम करेंगे, वो फॉर्मूला लिखते हैं, और ऐसे कुछ एक दो केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हैं, और ऐसे प्लस टू में ओम्स लॉ और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूलाज हैं, बस इतना ही है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से रह गए, बस इसी को क्लोज करके हम क्यों कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन करेंगे, वो आएगी पेपर में, बट वो क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं हो सकते जब तक ये फॉर्मूलाज नहीं आएंगे। अभी आपको पता लग जाएगा जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिनको स्कूल वगैरह में करवाया होगा उनको आइडिया होगा कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ये टेबल तो आपको रखना ही पड़ेगा अपने सामने। मुश्किल है याद करने? हो जाएंगे याद अपने आप, क्यों टेंशन ले रहे हैं? हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे, टेस्ट होंगे ना दो इसके? हाँ होएगा, नहीं छुट्टियों के बाद पहला टेस्ट होगा, मैं आपको डायमेंशन फॉर्मूला बनाने को पांच टेस्ट दूंगा, पांच क्वेश्चन दूंगा, आधी क्लास फेल हो जाएगी, फिर दोबारा दूंगा, फिर थोड़ी सी आधी पास हो जाएगी, फिर दोबारा दूंगा। एक हफ्ता लगता है इनको याद करने में, जब रोज मैसेज आएंगे ना घर में, 10 में से 2 नंबर, 10 में से 3 नंबर, फिर टेंशन हो जाएगी, फिर अपने आप याद हो जाएंगे। हर साल मैं देख लो, पिछले साल के टेस्ट दिखाऊंगा आपको, तीन तीन टेस्ट लिए हुए हैं डायमेंशन फॉर्मूलाज के, तब जाके लोगों को याद हुआ कि चल अब याद कर ही लेते हैं, हो जाएंगे आपको भी, क्या टेंशन है, कोई एक बारी में कर लेगा, कोई दो बारी में कर लेगा, पर हो जरूर जाएंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट हुआ था, लोग वैसे यहां से शुरू करते हैं, मैंने क्यों नहीं शुरू किया था? सोचो ये फर्स्ट लेक्चर में होता तो आप क्या कहते, ये था नॉन मेडिकल, यार ये कैसा नॉन मेडिकल है, तो यार क्या याद ही करे जा रहे हैं। बट इस टाइम चलो ठीक है, दो लेक्चर में इतना चल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में से, कोफिशेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसका सिंबल है के, लिखना भी है साथ साथ, कोफिशेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। देखो कोफिशेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के आपको यह बताता है, थर्मल का मतलब हीट, कंडक्टिविटी का मतलब हीट का कंडक्ट होना, अंदर से पास होना, और इस प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं। शायद आपने सुना भी होगा, वो एटम वाइब्रेट करते हैं और एक लोहे की रॉड है, आप गर्म करते हो एक एंड पे, वो हीट अंदर ही अंदर ट्रेवल कर जाती है, इसको कंडक्शन बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो मटीरियल कैसा है, कोई मटीरियल तो कंडक्शन बहुत ज़्यादा करता है और कोई बहुत कम करता है, और कोई तो करता ही नहीं, वुडन का लक्कड़ का लगाओगे तो हैंडल तो फिर करेगा ही नहीं। तो जिस मटीरियल, जो मटीरियल ज़्यादा कंडक्ट करता है, जल्दी हीट को ट्रांसफर करता है, उसका के बहुत बड़ा होता है, थर्मल कंडक्टिविटी बड़ी है। जिसका के छोटा होता जाएगा वो एक बैड कंडक्टर की तरफ जाता जाएगा, और जिसका के जीरो हो जाएगा वो तो बिल्कुल ही बैड कंडक्टर है, वो तो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करेगा। तो के आपको ये बताता है वेदर अ मटीरियल इज अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर। तो इसके लिए ना एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में। मान लो आपके पास ये एक सरफेस है, सॉलिड है एकदम, अंदर से लोहे का मान लो या स्टील का बना हुआ है ये कंटेनर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है, और ये मान लो T2 टेम्परेचर है, और ये फेस मान लो T1 टेम्परेचर है। तो ये देखा गया है कि हीट ट्रेवल करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर, तो हीट अंदर ही अंदर ट्रेवल कर जाएगी, और हीट का सिंबल इज क्यू। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो हीट ट्रेवल करती है वो डिपेंड करती है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है तो नंबर ऑफ एटम कम कॉन्टैक्ट में है तो हीट कम ट्रेवल करेगी, और अगर ज्यादा एरिया है तो फिर ज्यादा हीट ट्रेवल करेगी। ये देखा गया है कि हीट टाइम पे डिपेंडेंट है, 10 घंटे के लिए हीट ट्रेवल करवाते जाओगे तो ज्यादा हीट निकलेगी, 1 सेकेंड के लिए करोगे तो कम हीट जाएगी। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के डिफरेंस पे, टेम्परेचर डिफरेंस को आप डेल्टा टी भी बोल सकते हो, टेम्परेचर डिफरेंस इज डेल्टा टी। जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी हीट ज्यादा ट्रेवल करेगी, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं होगा तो बिल्कुल भी हीट ट्रेवल नहीं करेगी। ये डिपेंड करता हुआ देखा गया है डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस, इन दोनों फेसेस में डिस्टेंस अगर डी है तो अगर डिस्टेंस बढ़े तो हीट जो है वो कम जाएगी, क्योंकि अगर दूरी होगी इनके तो एटम बीच में हीट फंस जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, एटम ही कंज्यूम कर जाएंगे।
तो डिस्टेंस कम होना चाहिए, तो ज्यादा हीट बाहर आ जाएगी। इन सबको अगर कंबाइन करते हैं तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम अपॉन डी, और साथ में क्या लगता है, एक कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है इसमें, के। के ये बताता है कि ये सारा कुछ इस पे भी डिपेंड करता है वेदर अ मटेरियल इज अ गुड और बैड कंडक्टर। आप टेम्परेचर या एरिया जो मर्जी कर लो, लेकिन अगर कोई लकड़ का मटेरियल है तो के क्या हो जाएगा, जीरो, तो बिल्कुल भी हीट ट्रेवल नहीं करेगी। तो ये एक फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में करवाया जाएगा, आप सिर्फ फॉर्मूला नोट कर सकते हो, के ए डेल्टा टी इंटू टाइम डिवाइडेड बाई डी, पर आपको तो के से मतलब है, क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा टी इंटू कितना, टी। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। बोलो हीट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी वाला, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एम एल टू टी माइनस टू। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, एरिया किस में, एल स्क्वायर में, टेम्परेचर डिफरेंस किस में, केल्विन में, और टाइम किस में, टी में। सारी वैल्यूज को पुट कर लिया, यहां से एल स्क्वायर कैंसल, तो एम एल टी माइनस टू, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस थ्री, और के भी ऊपर जाएगा रेस टू पावर माइनस वन, आंसर। तो ये याद नहीं किया जा सकता, वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के कैन बी कैलकुलेटेड। हालांकि ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, बहुत ही रेयर है, मुझे लगता नहीं यूज होगा, बट एक्सेप्शनल केसेस में कोई टीचर डाल दे तो कम से कम सुना हो कि ये होता क्या है, आप नोट कर सकते हो, कम यूज होगा वैसे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? देखो मेन चीज आपको ये समझ में आ चुकी है कि सिर्फ फॉर्मूला ही मेन है, वो फॉर्मूला कैसे याद किया जाए बस ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे याद करते हो। फॉर्मूला याद हो गया तो बनी जाएगा एमएलटी, तो ठीक। बोलो बोलो, ठीक है। होता है फॉर्मूले में, मैंने ले लिया ये, तो जिस साइंटिस्ट ने किया उसने लिया, मैंने भी ले लिया मैंने नहीं बनाया, जिसने बनाया मैंने उसकी बात बता दी, उसने ये बताया मैंने आपको बता दिया क्या है देखो थर्मल कंडक्टिविटी के बाद दो और छोटे छोटे थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूलास, एक शायद आपने सुना भी हो जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, सुना हुआ है, आईसीएसई ने सुना हुआ है, सीबीएसई नहीं सुना हुआ, ऐसा भी हो सकता है, शायद सुना होगा। तो स्पेसिफिक हीट, और एक हीट होती है जिसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, इसका सिंबल है एस, इसका सिंबल है एल, राइट। तो दो फॉर्मूलाज हीट के आप देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, एम एस डेल्टा टी, और दूसरा फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल, ठीक, इकट्ठे चला रहा हूं मैं। ऊपर वाला फॉर्मूला कब यूज होता है मैं आपको बताता हूं। आपके पास एक गैस है, उस गैस का मास एम है, और आप उस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं बाय डेल्टा टी जो भी होगा। अब गैस को हीट देनी पड़ेगी, सारी गैसेस को डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए सेम हीट नहीं देनी पड़ती, क्योंकि डिपेंड करता है कोई गैस जल्दी अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगी, कोई लेट करती है, वो कौन बताएगा इसमें, एस। जिसका एस बड़ा होता है स्पेसिफिक हीट, वो ज्यादा हीट लेगी आपसे, और जिसका एस कम होगा वो आपसे कम हीट लेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये फॉर्मूला वहां यूज होता है जब आप टेम्परेचर गैसेस का इंक्रीज करते हो, ये केमिस्ट्री के अंदर भी यूज करवाया जाएगा, और जब आप एम मास ऑफ गैस को हीट करते हो बाय डेल्टा टी, केमिस्ट्री में कैलकुलेट करवाया जाएगा कि बताओ कितनी हीट देनी पड़ेगी उस गैस को,
तो फॉर्मूला यूज करेंगे क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। पर हम इसमें किस क्या इंटरेस्टेड है, स्पेसिफिक हीट में। तो आप ये फॉर्मूला लगाना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हीट का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू है, मास का एम है, टेम्परेचर का केल्विन है, ये कैंसल हो गया, एल टू टी माइनस टू के माइनस वन इज द आंसर। तो बाकी तो वैल्यूज ही पुट की है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ये बना लेना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर लेना, मास की जगह एम पुट कर लेना, टेम्परेचर केल्विन पुट कर लेना, मास से मास कैंसल आंसर। ठीक, ऐसी एक और हीट कैलकुलेट करने का तरीका है, जब आप जैसे मान लो एक पानी बॉईल कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे और आप उसको स्टीम बनाना चाहते हैं, तो स्टेट ऑफ मैटर क्या हो गई, चेंज। तो हीट रिक्वायर्ड को क्यू, ये फॉर्मूला लगता है उस केस में जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, क्यू इज इक्वल टू एम एल, एल को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हमें अगर एल का फॉर्मूला निकालना है तो एल क्या बनेगा, क्यू डिवाइडेड बाय मास एम, तो एम एल टू टी माइनस टू हीट को मास से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा एल टू टी माइनस टू, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, दोनों फॉर्मूला याद ही करने पड़ेंगे, तो फॉर्मूला याद करो और डायमेंशन फॉर्मूला कैन बी कैलकुलेटेड। समझ में आ रहा है यहां तक? आज ठीक, दो फॉर्मूलाज केमिस्ट्री के हम यूज करेंगे, मे बी इसमें यूज होगा, मेरे को लगता है होना चाहिए, और उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। शायद आपने केमिस्ट्री में सुना हो आर, या आपने केमिस्ट्री में इक्वेशन सुनी है पीवी इज इक्वल टू आर टी, नहीं सुने कोई बात नहीं, अभी केमिस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाली है इक्वेशन, किसी भी गैस के अंदर ये इक्वेशन लगेगी, बात नहीं करो प्लीज, किसी भी गैस में ये इक्वेशन लगेगी जिसमें आपको गैस का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में कैसे रिलेटेड है वो सिखाया जाएगा। तो गैस की इक्वेशन में प्रेशर वॉल्यूम कैसे रिलेटेड होते हैं, पीवी इक्वल टू आर टी, तो आर को गैस कांस्टेंट बोलते हैं, तो गैस कांस्टेंट इज पीवी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर टी। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप चेक करें तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू था, हमने निकाल लिया, वॉल्यूम का एल क्यूब था और टेम्परेचर का के था, सॉल्व करके एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू के की पावर माइनस वन इज द आंसर। इसे सॉल्व कर लेंगे, रीअरेंज करेंगे, आंसर आएगा। तो गैस कांस्टेंट के लिए आपको बस वो इक्वेशन याद करनी है, वहां से प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पुट करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है यहां तक? हाँ, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, पर हम मोल लेते नहीं फिजिक्स में, मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वाले यूज कर लेते हैं, हमारे हिस्से का मोल नहीं है, हमारा यही है। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, और एक और शायद फॉर्मूला आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट, नहीं सुना तो सुन लो, बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट इज रेशियो ऑफ गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये तो सुना होगा एवोगैड्रोस नंबर, नहीं सुना तो एवोगैड्रो नंबर एक नंबर होता है जिसका कोई ना यूनिट होता है ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। आप कहोगे होता है, मैंने कहा क्या होता है, कहते 2 point, वो जो इसकी कितनी होती है 6 point समथिंग करके, इन इतने एटम, एटम यूनिट नहीं, एटम नहीं, इस कमरे में अगर 40 लोग बैठे हैं तो लोग यूनिट्स नहीं है,
नंबर है, 40 बंदे बैठे हैं, वो बंदे को यूनिट थोड़ी ना होते हैं, तो 40 नंबर है, तो इसलिए एवोगैड्रो एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। तो आर का डायमेंशन फॉर्मूला तो ऊपर मैंने निकाल दिया, कितना एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, और नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम आएगा, चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एवोगेड्रो नंबर डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं। जो आर का डायमेंशन फॉर्मूला है वही एवोगेड्रो नंबर का डायमेंशन फॉर्मूला है। समीत क्लियर है यहां तक? समीत ठीक है, नंबर से डिवाइड भी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, नंबर का ना तो कोई यूनिट है ना डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक, क्या आप भी परेशान हो चुके हैं दूसरे बैच की तरह? सब नॉर्मल है? ठीक, या कोई खुश भी है बहुत ज्यादा इन फॉर्मूला से? कोई खुश नहीं है, सब नॉर्मल है, मैं भी खुश नहीं हूं, पर मजबूरी है यार, लिस्ट में कोई यही वेट कर रहा था, यही सेम बस कर रहे थे वो भी। पांच चार फॉर्मूले और हैं, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटे हैं, छोटे हैं, इतने हैं कि एक बोर्ड के ऊपर अभी एक बार में लिखे जाएंगे छोटे से, तो बस इसको क्लोज करते हैं, जितने हो गए फॉर्मूला सफिशियंट हैं, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन करेंगे। राइट, तो चले देखो, नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। प्लीज, हाँ जी बोलो। ठीक है, नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस वी। वी ये आपने सुना हुआ है, दिस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बिल्कुल ठीक। और चाहो तो ये भी लिख सकते हो, एक और डायमेंशन फॉर्मूला इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम, क्योंकि करंट क्या होता है? चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज इज करंट इनटू टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या था ए, और टाइम का क्या था टी, तो चार्ज क्या क्या बनेगा? ए टी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला इज एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज का ए इंटू टी। तो सॉल्व करते हैं, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया। तो कुछ भी नहीं करना, चार्ज का पता है और चार्ज का ए टी है, और अब यहां वैल्यू पुट करो आंसर। ए एम्पियर है, प्लीज साइलेंस। एम्पियर समझ में आ रहा है? सिग्नल क्लियर है? तो रेजिस्टेंस, ओम लॉ से रेजिस्टेंस क्या होता है? वी बाय आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने ऊपर निकाल दिया, सबसे ऊपर कितना, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और करंट का क्या होता है? एम्पियर, तो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, तो एक और फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस। इसके बाद दो और है, बस लास्ट है, पांच बोले थे ना, तीन प्लस दो, बस खत्म। मैं कुछ कर, अभी तो मैंने आपको कम लिखवाए हैं, अभी तो प्लस वन के लिखवाए हैं, प्लस टू के और ऐड, 50 और ऐड कर लो, वो नहीं करने, वो अब नहीं करने, बस बहुत है, सफिशियंट है, इससे काम चलेगा हमारा, बहुत है ये। अच्छा, एक ना अगर ये आ जाए ना एम्पलीट्यूड, कल को वर्ड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब डिस्प्लेसमेंट ही होता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल ही रहेगा, एम्पलीट्यूड का एल रहेगा।
बहुत है, इतने कर लिए, दो में क्या प्रॉब्लम है? ठीक, ठीक, दो फॉर्मूले और लिखेंगे और क्लोज करते हैं, और उसके बाद फिर इसकी एप्लीकेशन करेंगे कि इसका करना क्या है बेसिकली। देखो, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन नॉट, शायद पहले डिस्कस किया था, नहीं किया तो एक लॉ आएगा कूलम लॉ प्लस टू में। कूलम लॉ ये बताता है कि जो फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में, ये फॉर्मूला होता है फोर्स को निकालने का, तो ये एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट सिंबल है ये, तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो दो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, तो कूलम एक साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया था कि दो चार्जेस में फोर्स 1/4 पाई, इस सिंबल का नाम है EPSILON, एप्सिलॉन नॉट का मतलब वैक्यूम है, चार्जेस वैक्यूम में पड़े हैं। तो आपको तो बस यही निकालना है, तो आप यहां से ना पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आएगा 1/4 πf q1 q2 r2। एफ को इधर ले जाओ, एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है यहां तक। 1/4 πa को तो कुछ नहीं करना, कांस्टेंट है, चार्ज का क्या होता है एम्पियर टाइम, दूसरे चार्ज का एम्पियर टाइम, फोर्स का क्या होता है MLT -2, और आर का क्या होता है लेंथ, ठीक, रेडियस का लेंथ, फोर्स का पुट किया, चार्जेस एम्पियर टाइम, दो चार्जेस है तो 2 बार एम्पियर टाइम। तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, एम ऊपर आ गया √-1, एल की वैल्यू -3, टी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू स्क्वायर, ये आंसर आ गया। मतलब मेन तो वो फॉर्मूला याद करना है, उसका कोई इलाज नहीं, याद ही करना पड़ेगा, ठीक। बोलो बोलो, डाउट है, डाउट है, बोलो। बोलो को समझा ही नहीं सकता। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि देखो ये फॉर्मूला कहां से आया, ये प्लस टू का फर्स्ट लेक्चर सुन लो फिर जाके इस साल का, आपको एक पूरा 1.5 घंटा सुनना पड़ेगा ये फॉर्मूला कैसे बना। तो अगर इतनी पेशेंस है तो सुन लो, नहीं तो कूलम का रिजल्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कूलम ने ये फोर्स निकाली थी, उसका फॉर्मूला हमें दिया था, और हमारे मतलब की चीज सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है, हमसे कोई न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं करवा रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो हम अपना मतलब सॉल्व करके साइड में। वैसे तो इस क्वेश्चन का आने का चांस बहुत कम है, बट यू नेवर नो, कई बार स्कूल में एक्सेप्शनल क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं तो उसके अंदर ये डाला जा सकता है, मैं इसलिए करवा रहा हूं, अदरवाइज की जरूरत नहीं थी। और ऐसी एक और फॉर्मूला, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का सिंबल होता है म्यू नॉट। मैं ये भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये दो ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपको स्ट्रेट वे याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर इसको सिखाया जाएगा, एक फॉर्मूला आएगा कि अगर दो वायर्स हैं और उनमें करंट है, तो उनमें फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला इज μ0/4π(2×current×current)/r। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला प्लस टू में करवाया जाता है, जो दो पैरेलल वायर्स में अगर करंट है तो आपस में वो फोर्स लगाती हैं, ये फोर्स का फॉर्मूला है। तो कहां से आया, क्यों आया, नहीं चाहिए, और मोस्ट प्रॉब्ली आपको पूछा भी नहीं जाएगा, मैं सच बताऊं इस प्लस वन के अंदर। पर मैं फिर कह रहा हूं, आपके टीचर्स का कुछ नहीं मालूम, स्कूल में जाओगे वो
पता लगे, सबसे पहला फॉर्मूला यही पूछ ले आपसे, तो एटलीस्ट कम से कम आपके लिस्ट में ये होना चाहिए। पूछे ना पूछे उसकी मर्जी है, पर हमें पता होना चाहिए कि इसको कैसे करना है, राइट। तो इसमें हमने क्या करना है, म्यू नॉट निकालना है। तो म्यू नॉट विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू आर और डिवाइडेड बाय टू इनटू आई इनटू आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, मैंने म्यू नॉट को एक तरफ कर लिया, बाकी टर्म्स एक तरफ कर ली। इस सिंबल का नाम म्यू है, म्यू नॉट, ठीक। तो अगर कल को म्यू नॉट का कोई क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट लिस्ट में है आपके और आप देख सकते हो। वैसे रिक्वायर्ड है नहीं, मैं अपने टेस्ट के अंदर भी नहीं दूंगा, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। आपके स्कूल के टीचर करवाएंगे, आप कर लेना, नहीं करवाएंगे मेरी तरफ से उसको छोड़ देना। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू आर का लेंथ, लेंथ का भी एल, कॉन्स्टेंट का कुछ नहीं, करंट का एम्पियर, करंट का एम्पियर। तो आंसर क्या आएगा, एम एल से एल कैंसल, एम एल टी माइनस टू ए रेज टू पावर माइनस टू इज द आंसर। वो तो जो बनेगा फिर एंड में बनी जाएगा अपने आप। बट क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? दो फॉर्मूला तो एंड में एक्सेप्शनल, तभी एंड में करवाए मैंने, एटलीस्ट शुरू में करवाता तो दिक्कत होती। तो ये एक्सेप्शनल फॉर्मूलाज हैं, अगर यूज हो जाए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। ठीक है, अब लिखो एप्लीकेशन। हम डायमेंशन फॉर्मूला पूरा हमने चार्ट बना लिया कर क्यों रहे हैं, एमएलटी एमएलटी करोगे क्या इसका, कुछ तो करते ही होंगे। तो लिखो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलास, लिखो अपने कॉपी में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलास। राइट, फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन डायमेंशनल फॉर्मूलास। यार क्यों डिस्टर्बेंस, बोलना नहीं है यार, राघव राघव साइलेंस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज में फर्स्ट एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस, लिखो डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प्स, डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प्स टू फाइंड, डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प्स टू फाइंड relation, helps to find relation among various physical quantities, relation among various physical quantities full stop। तो dimension analysis हमें क्या help कर रहा है, बहुत सारी physical quantities के बीच में relation निकालने के काम आएगा। जैसे सपोज, पहले एग्जाम्पल करवाऊंगा और एग्जाम्पल से समझना है प्लीज। ये लिख लिया सबने, ठीक। देखो, लेट अस सपोज एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उससे भी पहले न्यूटन का फॉर्मूला अभी बताया था, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर किया था यूज। न्यूटन को कैसे पता लगा आर की पावर टू करनी है, भी आर की पावर फोर क्यों नहीं करनी थी, फाइव क्यों नहीं करनी थी, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, पावर्स वो डिनोमिनेटर में क्यों लेता है आर, ऊपर क्यों नहीं ले लेता, तो कुछ तो रीजन होगा। तो ये फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, ये डायमेंशनल एनालिसिस क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा फॉर्मूलाज बनाने में। कैसे, मान लो एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है और एक पत्थर को घुमा रहा है, स्टोन को घुमा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी और आर रेडियस में घुमा रहा है, उसको इस स्टोन को घुमाने के लिए फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है एफ। उसको ये समझ में आ गया कि जो फोर्स है वो ना मास पे डिपेंडेंट है, अगर वो पत्थर छोटा बड़ा करता है तो फोर्स भी कम ज्यादा लगानी पड़ती है। उसको ये पता लग गया कि फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, अगर वो ज्यादा तेज या स्लो घुमाएगा इस स्टोन को तो फोर्स भी कम ज्यादा लगानी पड़ेगी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन रेडियस आर, अगर रस्सी बड़ी या छोटी लेगा तो फोर्स चेंज करनी पड़ती है। पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा मास की पावर क्या ले, टू ले, थ्री ले, वेलोसिटी की पावर क्या ले, तो वो क्या करता है, सपोज ए बी एंड सी, कुछ भी पावर मान लेता है,
उसको ये तो पता नहीं कि क्या पावर होगी, उसने एबीसी मान लिया। फिर उसने क्या किया, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम रेस टू पावर ए, वी की पावर बी, आर की पावर सी, तीनों को कंबाइन कर लिया। फिर वो क्या करता है, एक कांस्टेंट लगाता है, कांस्टेंट एम की पावर ए, वी की पावर आर की पावर सी, एक फॉर्मूला बनने को तैयार हो जाता है। अब आपने अगर मान लो कोई फॉर्मूला करेक्ट है, मान लो आपको एक करेक्ट फॉर्मूला मालूम है, एस इज इक्वल टू वी टी, आप चेक करो, एस का मतलब है एल और वी का मतलब क्या है एल टी माइनस वन और टी का मतलब टी, मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगा एल। तो अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है तो उसका लेफ्ट और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, सेम, राइट। उसी तरीके से अगर आप इस इक्वेशन को करेक्ट बनाना चाहते हो तो लेफ्ट और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आना चाहिए, सेम। जैसे कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, कॉन्स्टेंट का तो कुछ है ही नहीं। मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन, आर का लेंथ, पुट कर दिया एबीसी, क्लियर है। हर क्वांटिटी का पुट किया, एफ का, मास का, वेलोसिटी का, आर का, क्लियर है यहां तक। तो एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस बी और ऐसी एल की पावर कितनी, सी। पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, ओपन कर दिया ब्रैकेट, सी लो, एल की पावर बी माइनस बी, एल की पावर सी। अब एम एल टी माइनस टू विल बी इक्वल टू एम की पावर ए, एल और एल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, एड, और टी की पावर माइनस बी, ये लो। और अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो एम की पावर एम के साथ, एल की एल के साथ, टी के साथ कंपेयर कर लो, तो वन इज इक्वल टू ए, एल की पावर यहां पर वन है और यहां पर कितनी है बी प्लस सी, टी की पावर माइनस टू वहां पे कितनी है माइनस बी, राइट। तीनों पावर्स को इक्वेट कर लिया एम, ये समझ में आ गया नहीं, ये समझ में आ गया, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस बी, पावर से मल्टीप्लाई करते जाओ ना, एल की पावर सी, फिर एम की पावर ए, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है सारी टर्म्स, एल इंटू एल हो रहा है तो इनकी पावर आपस में एड, और टी की पावर सिर्फ माइनस बी है और तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे लिख लिया। पावर्स को कंपेयर कर लिया, ए आ गया कितना वन, बी सॉल्व करके बोलो कितना आ गया टू, बी को उठा के यहां पे पुट करो, वन इज इक्वल टू टू प्लस सी, तो बोलो सी कितना आ गया माइनस वन। तो आपने तीनों इक्वेशन से क्या सॉल्व कर लिया, ए बी एंड सी, को डाउट इसमें। और आपको ये मालूम है कि यहां से फोर्स की वैल्यू कितनी है, कॉन्स्टेंट इंटू एम ए वी बी आर सी, फोर्स इज सम कांस्टेंट इनटू एम की पावर ए, ए बोलो कितना आया वन, वी की पावर बी कितना आया टू, आर की पावर माइनस वन। तो फोर्स इज सम कांस्टेंट इनटू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, फॉर्मूला बन गया फोर्स का आपके सामने। फॉर्मूले बनाने के काम आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। पॉइंट समझ में आया, लिख सकते हो, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो सीधा न्यूमेरिकल करना चाहो अगला न्यूमेरिकल कर लो, जैसे आपको ठीक लगता है। लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तो असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन ट्राई कर लो। टेस्ट आपका अगली बार ही होगा, आपका बैच का आज नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम लेंगे, लेट हो गए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, स्कूल में यही आता है, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना नहीं आएगा स्कूल में, स्कूल में ये आएगा, वो कैसे आएगा अभी करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल, यही इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूला बनाना आएगा स्कूल में, ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा आपको एबीसी के साथ। एक क्वेश्चन नीट में आएगा, एक क्वेश्चन मेंस में आएगा और एक क्वेश्चन स्कूल में भी आएगा, तीनों क्वेश्चन आएंगे ऐसे और पक्का आएगा।
ठीक है। देखो अपनी शीट नंबर, ये जो आपको दी है 10 नंबर शीट दी है, ओके, सब्जेक्टिव शीट नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार प्लीज चेक करो। हाँ बिल्कुल सही, मैं ये पूछना चाहता, समझ में आया, और समझ में आया था मैं हैरान हो जाता और मैं पूछता कैसे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ऐसे बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लार्ज फ्लूइड स्टार ऑसिलेट्स इन शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओन ग्रेविटेशनल फील्ड। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, समझना भी नहीं। तो किस चैप्टर से ये साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, किस टॉपिक में, मुझे खुद नहीं पता, पर इतना समझ में आ रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस, अब समझ में आ रहा है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना चाहता है, दैट डिपेंड्स अपॉन रेडियस आर, डेंसिटी रो एंड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी। क्लियर है यहां तक? तो मुझे ये तो पता नहीं कि पावर क्या है, तो मैंने क्या लगा ली, एबीसी। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो आपको ना क्वेश्चन के अंदर ये नहीं देखना कि वो क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, आपको तो ये देखना है कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। तो इन्हें कंबाइन कर लेते हैं, आर की पावर ए, डेंसिटी की बी और जी की पावर सी। तो टी इज सम कांस्टेंट इनटू आर की पावर ए, डेंसिटी की बी, जी की सी। टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टी, टाइम पीरियड का टी, कांस्टेंट का तो होता ही नहीं, रेडियस का क्या होता है एल, डेंसिटी का क्या होता है एम एल माइनस थ्री, जी का क्या होता है मुझे याद नहीं है, बोलना चेक करके बताओ, एम की पावर माइनस वन, चेक करना, एल थ्री, टी माइनस टू, रेस टू पावर सी। तो अब चेक करना उसमें, राइट। तो ये फॉर्मूला आ गया, और अगर भूल जाओ जी का फॉर्मूला तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो याद है, जी एम वन एम टू बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इसको निकाल भी तो सकता हूं, एक्चुअल में यही करना पड़ेगा, पेपर में निकालना पड़ेगा फिर। ये क्लियर है स्टेप? तो यहां पे m मिसिंग है, रेज टू पावर जीरो, l मिसिंग है और t है, l की पावर a, m की पावर b, l की पावर माइनस थ्री बी, एम की पावर माइनस सी, l की पावर थ्री सी, t की पावर माइनस टू सी, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो m की पावर जीरो, l जीरो, t वन इज इक्वल टू एम और एम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आएगा, बी माइनस सी, एल की पावर ए माइनस थ्री बी प्लस थ्री सी, एल की पावर ए, एल की पावर माइनस थ्री बी, एल की पावर थ्री सी और टी की पावर माइनस टू सी। एम की पावर इकट्ठी कर ली, एल की इकट्ठी कर ली, टी की इकट्ठी कर ली, अब कंपैरिजन एम की पावर एम के साथ। तो पहली इक्वेशन जीरो इज इक्वल टू बी माइनस सी, एल की पावर एल के साथ ए माइनस थ्री बी प्लस 3c और t की पावर t के साथ 1 इज इक्वल टू माइनस टू सी। तो c की वैल्यू तो आ गई कितनी, माइनस हाफ। तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 0 इज इक्वल टू b माइनस c की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस हाफ, 0 इज इक्वल टू b प्लस हाफ, तो b की वैल्यू भी स्ट्रेट अवे कितनी आ गई, माइनस हाफ, c आ गया, बी आ गया। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू ए माइनस बी की वैल्यू माइनस हाफ है, माइनस हाफ, और सी की वैल्यू भी माइनस हाफ है, तो जो मुझे लग रहा है कि ये कैंसिल हो गया, ए कितना आ गया, 0, बिल्कुल सही। तो इन्हें साइमल्टेनियसली आप ही सॉल्व करना है और आंसर निकालना है ए बी और सी का। तो मैथ्स है, ये फिजिक्स नहीं है, प्लीज मैथ्स में ऐसी करते हैं ना, ए बी सी, मेरा काम फिजिक्स में बस यहां तक है, इसके बाद तो आप घर जाके आराम से एबीसी सॉल्व करें और एबीसी की वैल्यू निकाल लें, फिर इस एबीसी को यहां पुट करें यहां पे। तो टी क्या आएगा, कांस्टेंट इनटू आर की पावर जीरो, डेंसिटी की पावर और जी की पावर माइनस हाफ, माइनस हाफ इज द आंसर। आंसर आ गया, मैं कह रहा हूं सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस याद क्या होना चाहिए, डायमेंशनल। आप समझ में आया, वो टेबल क्यों बन रहा था, वो टेबल के बिना तो बात ही नहीं बन सकती। आप कह रहे थे फॉर्मूले कम लिखाओ, मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले कम लिखे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, आप यहाँ पूछोगे क्या पुट करना है, आप कम से कम पूछोगे तो नहीं, टेबल से चेक करना है आपको जो करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है, बोलो।
हाँ, सिंप्लीफिकेशन जो मर्जी करो, ऐसे तो आर की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन। अब मैं आपको 2 मिनट लगा के दो तीन क्वेश्चंस का हिंट दूंगा, आपको सारी असाइनमेंट घर से करके लानी है। जो दो तीन क्वेश्चंस हैं वो करने के, मैं करूंगा नहीं, बस दो दो लाइनें लिख के दूंगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपके न्यूमेरिकल्स का, तो आगे आपने कंटिन्यू करना है। राइट, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? देखो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हिंट नोट करो, गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर, पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है गैस बबल का, ऑसिलेट्स विद टाइम टी परपोर्शनल टू, क्या लिखा है, पी रेज टू पावर ए, डी रेज टू पावर बी, ई रेज टू पावर सी। तो पी का मतलब क्या है यहां पर, स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो, प्रेशर तो प्रेशर ही है, तो प्रेशर का पुट कर लोगे, डेंसिटी पुट कर लोगे, टोटल एनर्जी जो मर्जी एम एल टू टी माइनस टू पुट कर लोगे, एबीसी सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। ठीक, होमवर्क समझ में आ रहा है क्या करना है, कंपेयर करके पावर करके एबीसी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ई का मतलब एनर्जी, एम एल टू टी माइनस टू वाला एनर्जी, तो कोई भी एनर्जी पुट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्यू का फॉर्मूला आई एफ वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एल क्यूब है। क्वेश्चन में आई गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एफ गिवन है फोर्स, वी गिवन है इसमें वेलोसिटी, डब्ल्यू गिवन है वर्क डन, एल गिवन है इसमें लेंथ। सभी का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर लोगे, सॉल्व करके मैच करोगे कि कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, सिंप्लीफाई करना, एमएलटी में आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चन क्लियर है, घर जाके वैल्यूज पुट करके निकालोगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये गिवन है कि रिनॉल्ड्स नंबर आर, कोई कह रहा था सर आपने रिनॉल्ड्स नंबर नहीं करवाया, रिनॉल्ड तो नंबर है, करवाना क्या, नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं तो 1 है, तो रिनॉल्ड्स नंबर कोई काम करता है कि वो फ्लो ऑफ लिक्विड निकालता है। दिस कॉन्स्टेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी एंड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर सी। डायमेंशनल फॉर्मूलाज 3 वेरिएबल्स में बिल्कुल सही काम करते हैं, जब आपको ए बी सी 3 वेरिएबल निकालने होते हैं, चौथे में सही काम नहीं करते, इनकी डिसएडवांटेज है। तभी उसने कहा कि इनके ऊपर डिपेंडेंट है, और लास्ट में एक और लाइन लिखी कि रेनॉल्ड्स नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी कि रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डायमीटर, रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, पावर 1। ये अलग से लिखा क्योंकि आपके डायमेंशनल फॉर्मूला में ऐसा नहीं होता रेस टू पावर ए बी सी और डी या ई और एफ ना, सिर्फ 3 वेरिएबल तक काम करता है ये, तो आखिरी की वैल्यू उसने दे ही दी आपको।
फिर आपने क्या करना है, इन सबको कंबाइन करना है, कंबाइन करके वी रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी, ईटा रेज टू पावर सी, डायमीटर रेज टू पावर वन। रेनॉल्ड नंबर की जगह क्या पुट करोगे, वन, वन का मतलब एम जीरो एल जीरो एंड टी जीरो। वेलोसिटी पुट कर लोगे, डेंसिटी पुट कर लोगे, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी आज करवाया, कितना करवाया था, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, और डायमीटर किसमें है, लेंथ में। एबीसी निकाल लोगे, आंसर इकट्ठा करना ना, एम की पावर एम के साथ, एल की एल के साथ, टी की टी के साथ, हो जाएगा सॉल्व। ये समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है? मतलब मेन मेन फॉर्मूलाज बना के दे रहा हूं, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आपको सॉल्व करना है। और एक फिफ्थ क्वेश्चन का हिंट और दूंगा, फिर क्लोज करते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे करना है, हिंट समझ में आ रहे हैं? ठीक है, फिफ्थ में एज्यूमिंग क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द ट्यूब ए, रेडियस ए ऑफ द ट्यूब, रेडियस का सिंबल आर की जगह क्या लेने को कह रहा है, ए, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब मेरी आदत है मैं पावर को ए बी सी लेता हूं, पर उसने जान के उसको ए दे दिया ताकि मैं कंफ्यूज हो जाऊं, ए की पावर ए था मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो मैं जान के यहां पर पावर को चेंज करूंगा, लेट अस सपोज एक्स वाई जेड। बना लोगे फॉर्मूला इसका, तो इक्वेशन बना के ए बी सी निकालना, इस तरीके से सारी असाइनमेंट करनी है। आप ट्राई करके आना, जो नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं डिस्कस करूंगा क्लास में, तो एटलीस्ट कैसे शुरू करनी है असाइनमेंट समझ में आ रही है, तो इस असाइनमेंट को नेक्स्ट टाइम करके आना। सिक्स भी बता दूं, एज्यूमिंग फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंडेंट अपॉन, सिक्स क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स ए, लेंथ रेज टू पावर बी, एंड मास नहीं है ये, इस एम का मतलब वो कह रहा है क्या लेना है, मास पर यूनिट लेंथ, तो m बाय l हो जाएगा इसमें, राइट? तो m नहीं आएगा, m बाय l आएगा। हवा तेज,